ये हर बात मार डांट डपट से नहीं समझाई जाती, प्यार से तरीके से समझाई जाए तो वो बेहतर तौर पे समझाई जा सकती है, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक। खेल हो रहा है? चलो मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूँ, ठीक है? ठीक है। चॉकलेट है रीम के लिए, भाईजन के लिए, लेकिन आप लोगों ने ये ऐसे नहीं खाना। ऐसे नहीं खाना? तो फिर किस तरह खाना है? ये कोई अलग तरीके से खाई जाती है? नहीं नहीं, अलग तरीके से नहीं खाई जाती। इसका ये है कि आप लोगों ने इसको ऐसे खाना है कि किसको ही आपको देख ना सके, ठीक है? छुप के खाना है, ठीक है? कोई भी आपको खाते हुए इसको देख ना सके, ठीक है? क्या मतलब आप कोई ना देख सके? लेकिन बाबा ये कौन सा टास्क है? ऐसी तो बहुत सी जगह है जहाँ मैं छुप के खा सकता हूँ, और मुझे कोई देख क्या ढूंढ भी नहीं सकता। अच्छा जी, ऐसी बात है फिर, यही चीज तो मैंने देखनी है कि आप ऐसी कौन सी जगह पे छुप के खाओगे कि जहां कोई आपको देख ना सके, ठीक है? चलो फिर देखते हैं कौन कामयाब होता है, चलो। लेकिन कितना टाइम है बाबा हमारे पास? टाइम सिर्फ 15 मिनट, 15 मिनट में आप लोगों ने इस काम को, टास्क को पूरा करना है, ठीक है? मैं तो इजीली कर लूंगा। चलो ये तो देख लेते हैं फिर अभी। चलो यहाँ छुपते हैं। हरीम, आप क्या सोच रही हो? आप क्यों नहीं गई छुपने के लिए? चॉकलेट खाओ जाके छुप के आप भी। मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं कहाँ छुपूँ जो मुझे देख ना सके। ठीक है फिर सोचो और के चॉकलेट खाओ, ठीक है? फिर 15 मिनट के बाद मिलते हैं और सबके साथ देखते हैं कौन कौन छुप के खा के आया है, ठीक है? चलो फिर। नहीं बच्चे अभी तक 15 मिनट तो तकरीबन हो गए। आ गए हैं। ओए आओ जनाब, सुनाए क्या बना फिर? खाली चॉकलेट खा भी लिया और किसको पता मैंने जला। क्या बात है जनाब, फिर तो अच्छा। तो सबसे पहले आयान आप बताओ, आपने ऐसी कौन सी जगह ढूंढी कि जहां आपने चॉकलेट खाई और किसी ने आपको देखा भी नहीं? वो बाबा जगह तो है सीक्रेट, तेरे बता देता हूँ। वो बाबा मैंने अलमारी के अंदर बैठ के खाई, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा तो आपकी ये सीक्रेट जगह जो है इधर आपको किसी ने भी नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा, यानी कि किसी ने भी नहीं देखा जी। चलो भाईजान, अब आप बताइए कि आपने ऐसी कौन सी जगह ढूंढी, आपकी भी कोई सीक्रेट जगह थी जी है? थी तो जहां आपको किसी ने भी ना देखा हो चॉकलेट खाते हुए। अब मैंने सोफे के पीछे बैठ के खाई, किसी ने नहीं देखा मुझे, किसी ने नहीं देखा। अच्छा आपको भी किसी ने नहीं देखा, यानी कि किसी ने। अच्छा जी, अब बारी है हरीम की। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ गई आप अपनी फ्रेंड की तरफ से जी। चलो खूब एंजॉय किया फिर? हाँ जी। अच्छा है हरीम, आपने चॉकलेट नहीं खाई? क्या बात हरीम, आपने तो चॉकलेट खत्म नहीं की बेटे। हाँ ये तो आप बचा के ले आई। बाबा मैं कहाँ खाती? क्या मतलब बेटे? बाबा मैंने बहुत कोशिश की और ढूंढा भी, और मुझे वहाँ पर कोई जगह नहीं मिली।
जहाँ पर मुझे कोई ना दे सके। क्या मतलब बेटा, भाइयों को तो जगह मिल गई जहाँ इन्होंने बैठ के चॉकलेट खा ली और इन्हें किसी ने भी नहीं देखा, आपको भी जगह कोई मिल जाती। बाबा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर अल्लाह ना देख सके। बाबा हम सबसे छुप सकते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं। और बाबा, और फिर मुझे आपकी बात याद आई कि अल्लाह में हर जगह देखते हैं। शाबाश मेरी गुड़िया, वेरी गुड। हाँ जी, आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ समझ आई आप लोगों को बात? ये तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि आपने ये सब क्यों किया। जी बिल्कुल, चलो बताता हूँ मैं आपको। याद है सुबह हम लोग मार्केट गए थे? भाईजन जल्दी से चॉकलेट ले लो, जल्दी जल्दी को देखना ले। अरे बाबा वो देखे उन दोनों को, क्या कर रहे हैं वो लोग? अरे बाबा क्या देख रहे हैं, उनको लगाए हैं। आप चुप कर दो बेटे, उनको करने दो, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो बाद में देखेंगे, ठीक है? लो जी आप इधर आ जाओ। सुबह मार्केट में जो आप दोनों ने काम किया था वो तो मैंने और फिजा ने देख लिया था आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता तो आप लोगों को वहां पर भी सबक दे सकता था। आपकी पिटाई करता, दुकान खींचता, डांटता, लेकिन नहीं, ऐसा अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था, ठीक है? उसके लिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को एक टास्क देते हैं और उसके थ्रू आपको समझाते हैं। जी बाबा मैं अच्छी तरह समझ आ गया। इसका मतलब कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था कि हर बात मार डांट डपट से नहीं समझाई जाती, प्यार से तरीके से समझाई जाए तो वो बेहतर तौर पे समझाई जा सकती है, ठीक है ना? और ये बात कभी नहीं भूलो कि आप लोग कोई गलत काम कर रहे हो, बेशक अच्छा काम भी कर रहे हो, ठीक है? कि आपको कोई नहीं देख रहा, कोई और देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह हमारा हमें हर जगह देख रहा है, ठीक है ना? इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। बाबा मैं तो नहीं भूली। और हाँ, आज के बाद हम भी नहीं भूलेंगे। शाबाश, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो बच्चों, ये टास्क कंप्लीट हुआ और कामयाब रहा, ठीक है? अब चलते हैं घर, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया और आप लोगों ने पढ़ाई भी करनी है। चलो शाबाश, आओ चलें।